विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन कथा व्यास श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मुखारबिंद से किया जा रहा है। आज कथा के प्रथम दिवस कथा स्थल पर कथा व्यास श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी के प्रवेश करते ही कथा स्थल पर उपस्थित भक्तों और आयोजकों ने ताली बजाकर खूब वाहवाही की, साथ ही महामंत्र का जाप करते हुए स्वागत किया। वहीं कथा व्यास श्री साक्षी गोपाल दास जी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और सभी को आशीर्वाद दिया। श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ से पूर्व पुरोहित सतीश उनियाल एवं आचार्य शरणानंद जी महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना सम्पन्न कराई। इसके पश्चात कथा व्यास श्रद्धेय श्री मन साक्षी गोपाल दास जी महाराज द्वारा मंच पर पहुंचते ही दरबार में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण जी के साथ साथ गुरुदेव प्रभुपाद जी एवं गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का शुभारंभ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस कथा व्यास श्रद्धेय श्री मन साक्षी गोपाल दास जी महाराज द्वारा अपनी सरस वाणी से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस वर्षा करते हुए भक्तों को परमानंद और भक्ति सत्संग का रसपान कराया। कि मैं संसार में क्या करने के लिए आया हूँ, हमें ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। ये ज्ञान आपको स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान केवल आपको भगवान के शुद्ध भक्तों के संग मिलेगा, भागवत कथा में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा।
भागवतम क्षण अधीन अभी मैं तुलया कि भैया आधे अक्षण की भी तुलना कितने एक अक्षण की नहीं कितने आधे अक्षण की भी तुलना नहीं कर सकते आप किससे मैं स्वर्गम मैं पुनर्भवन मैं तो स्वर्गलोक में मिलने वाले सुखी और ना ही निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले सुखी बोलो हरे कृष्णा। कर्मी लोग यज्ञ करके कहाँ जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं सोमरस का पान करने के लिए उसे भोग करने के लिए उनका लक्ष्य है स्वर्ग की प्राप्ति और आपको स्वर्ग भी मिल गया तो स्वर्ग में मिलने वाला इस पृथ्वी से जो हजारों गुना ज्यादा है विषय भोग की प्राप्ति स्वर्गलोक में मिलती है कहते हैं वो स्वर्गलोक का सुख भी भगवान के शुद्ध भक्ति के साथ आदि अक्षम का जो सत्संग है संग है उसका मुकाबला नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा कौन कह ये तो भोले शंकर जी कह रहे भागवतम में छोटे स्कंध में पच्चीस गुणों में और जो ज्ञानी लोग हैं जो निराकार का ध्यान लगाते हैं और बाद में ब्रह्म ज्योति में लीन होकर आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो ब्रह्मलीन ज्ञानियों को जो ब्रह्म में लीन होने के बाद जो आनंद मिलता है वो आनंद भी भगवान के भक्त के साथ प्रकृति आदि क्षण का जो सत्संग है उसका मुकाबला जो लोग ये नहीं कर सकते। आपको बता दें कि भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद को भंडारे के रूप में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। गौरतलब है कि व्यवस्था में मुख्य रूप से रमेश यादव, रवि कपूर, शमी कपूर, अशोक सिक्का, वैष्णव प्रियदास, अजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, मूलचंद तोमर, अभय गुप्ता, आदित्य गुप्ता, पंकज गुप्ता, अतुल जौहरी आदि ने अपना सहयोग दिया।